Hello, myself Mahanoor Ali. Welcome back to my channel, Speak of Art. मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आया एंड यस एक ट्रिक कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है उसकी एक ट्रिक, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो ट्रिक एंड में समझ आ जाए। अच्छा जी, ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने भी मतलब 3-4 साल गाड़ी चलाई है, मैंने लाइसेंस नहीं बनाया। आई वॉज़ हैविंग अ लर्निंग लाइसेंस, लेकिन उसको कभी रिन्यू नहीं करवाया, ये परमानेंट नहीं बनाया। लेकिन अब मैंने जाके ये मेहनत वाला काम कर ही लिया है। अच्छा, लड़कियों को थोड़ा होता है कि जाएंगे टेस्ट देंगे, कैसा टेस्ट होगा और क्या प्रोसेस होगा, तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई गेट माय ड्राइविंग लाइसेंस। ओके जी, टू हाइड द इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, दिस इज़ माय ड्राइविंग लाइसेंस। ये मुझे TCS हुआ है 7 दिन बाद और अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं क्या प्रोसेस था। अच्छा, आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस जाएं, जो ब्रांच आपके करीब है आप उसके पास बिल्कुल जा सकते हैं। और मुझे, मैं गई थी क्लिफ्टन वाले ब्रांच पे, कराची क्लिफ्टन वाले, और वहाँ पे गए हम लोग, थोड़ी सी क्यू थी, हम वहाँ गए। सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया, इट वॉज़ वेरी हम्बल लेडी, वो बहुत प्यार से मुझे बुला रही थी, आओ बेटा बैठो। उसने मुझसे एड्रेस पूछा, मुझसे मेरी डिटेल्स ली, मेरा एड्रेस ऑब्वियसली लिया और एक दफ़ा मुझे दिखाया भी कि दैट्स मे हैव टू मेक श्योर कि यही एड्रेस ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो है वो मेरी डिटेल्स ली, मेरा लर्निंग लाइसेंस, मेरा CNIC की कॉपी ज़रूर लेके जाइएगा, CNIC की कॉपी एंड ओरिजिनल बोथ, ये बहुत ज़रूरी है आज, और लर्निंग लाइसेंस की कॉपी अगर आपने बनवाया है तो। अगर आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो सबसे सिर्फ आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर आपका परमानेंट नहीं बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं जा रहे और अगर आप सेकेंड टाइम जा रहे हैं और परमानेंट बनाने जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस है लर्निंग का, तो सिंपल सा प्रोसेस है। जाओगे, शनाख्ती कार्ड दोगे, फीस दोगे 100 रुपया, वो आपका लर्निंग लाइसेंस बना के दे देंगे। वो तो कार्ड भी नहीं होता, वो एक हल्का सा पेपर होता है प्लास्टिक कोटिंग की हुई, और वो बड़ी बुरी क्वालिटी में होता है, वो पूरा मिसप्रिंट हो गया था मेरा 1 साल बाद ही। अच्छा जी, तो परमानेंट लाइसेंस के लिए उन्होंने मेरी डिटेल्स ली और फिर मुझे कहा कि जाओ फीस भरवा के आओ। अच्छा, फिर मैं गई फीस भरवाने के लिए। फीस तकरीबन थी 2000 के तकरीबन अंदर, 5 साल का अलग है, 3 साल का अलग है। आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन है कि कितने का लाइसेंस है, बाइक का अलग है प्राइस, कार की अलग है, कार बाइक की अलग है। तो मैंने कार का बनवाया। अच्छा, उसके बाद फीस भरवाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप जाओगे डॉक्टर के पास। तो ये थर्ड स्टेप है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का आईसेट चेक होगा, वो आपका चेक करेंगे, और मेरी तो वैसे ही बड़ी वीक है लेकिन खैर मैंने टेस्ट दे दिया और द डॉक्टर वाज वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ अ थिंग, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी। अच्छा जी, फिर जब डॉक्टर का थर्ड स्टेप हो गया, उन्होंने वो साइन किया, एक पेपर होता है जो साथ साथ आपका चल रहा होता है, वो हर डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे रहा होता है। सो जब उस डॉक्टर ने क्लियरेंस दे दी, उसके बाद मैं गई टेस्ट के लिए। अच्छा, टेस्ट एक, ये टेस्ट जो है वो रिटन वाला टेस्ट है, जो कि आपको कंप्यूटर पे देना है, और ये बहुत मुश्किल है। आपको इसको इंटरनेट पे सर्च कर लो सवाल जवाब, क्योंकि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही बड़ी मुश्किल है लिखी हुई होती हैं। अगर आप उर्दू पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, और इंग्लिश करोगे तो फिर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो अगर सोच समझ के इंग्लिश करना है, उर्दू करना है, पहले ये देख लीजिएगा और फिर चूज़ कर लीजिएगा अपना टेस्ट। एंड येस, मैंने इंग्लिश चूज़ किया था और टेस्ट सही था। और मेरा सजेशन है यार, थोड़े बहुत तो पैसे दे देना साइड में ताकि टेस्ट हो जाए। अच्छा, वैसे नहीं तो मेहनत से दो, पढ़ो और इंटरनेट पर सर्च कर लेना चीज़ें, और कोशिश करना कि वो टेस्ट दे दो। अच्छा, जब वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर अपनी गाड़ी लाए हो तो ठीक है, वरना इस गाड़ी पर ड्राइव करो। अच्छा जी, अब आता है मेन पार्ट, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे लोग फेल, क्योंकि वो जो प्रोसेसेस थे वो इंटरनल विद इन द ऑफिस थे। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है, ये ज़रूरी देना है, इसमें कोई खांचेबाजी, कोई पैसे नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरी कैमरे में शो करना है कि यू आर एक्चुअली ड्राइविंग। तो यहाँ पे, अच्छा, इसकी एक ट्रिक ये है कि आपको जो भी ट्रैक बना हुआ होता है कोन्स का, आपको गाड़ी गुजारनी होती है, फिर वो कहेंगे पार्क करो, उल्टी करके पार्क करो, फिर सीधी करके पार्क करो, फिर ड्राइव करके दिखाओ। अगर आप कोन पे टच हो गए लेफ्ट राइट करते हुए या सीधा फ्रंट जाते हुए, तो आप
फेल हो जाओगे। और मेरे सामने ही सामने वाली जो गाड़ी थी वो एक लड़का चला रहा था, वो फेल हो गया। अच्छा, एक ट्रिक क्या है, पहले तो वो गाड़ी लेके जाएं जो कि जिसके जिसका बैक कैमरा हो। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है उसका बैक कैमरा चलता है, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ में हेल्प मिली कि वो मुझे नज़र आ रहा था कि कब रुकना है कब नहीं रुकना, वरना नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं भी फेल हो जाती। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आप टेस्ट देने लगो ड्राइविंग लाइसेंस वाला, ड्राइव करने वाला, तो आप उनको बोलो कि एक सेकेंड रुकें, मुझे पहले ट्रैक देखने दें। आप उतर के गाड़ी से उनसे रिक्वेस्ट करके पहले ट्रैक देखो और पहले समझो एग्जैक्टली कि ट्रैक है क्या। अगर आप ट्रैक नहीं समझोगे तो फिर इवेंचुअली वही होगा कि बस आप बेध्यानी में ही जो है ना वो कोन को टच कर दोगे और आप फेल हो जाओगे। और फिर वो अगेन पूरा सा प्रोसेस है कि आपको दोबारा सप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये मैंने टेस्ट दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला वेरी गुड, और मैं वापस आई घर पर। फिर विद इन लाइक 7 days आई गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, एंड वेरी यू नो हैप्पी that you know that we have such automated things going on in Pakistan, especially क्योंकि मुझे नहीं ऐसा था कि शायद घर पर भी आ जाएगा, तो घर पर आया, आई एम वेरी यू नो एक्साइटेड अबाउट इट। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने लाइसेंस नहीं बनाया तो बनवा लें, ये ज़रूरी है। और टेस्ट के लिए यही कहूँगी, द मोर यू प्रैक्टिस ड्राइविंग the more easy it will be for you to crack the test. So yes, यहाँ पे बस इतना ही मैंने आप लोगों को एक सजेशन देना था, वो ये कि अपने ज़रूरती डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बनवा लिया करें, लाइक CNIC लोगों को एक्सपायर हो जाते हैं वो बनवाते ही नहीं हैं, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाते हैं वो बनवाते ही नहीं हैं, जी डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी लोग जो है वो रिन्यूअल की तरफ नहीं जाते, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखें, इट विल ऑब्वियसली हेल्प आर गवर्नमेंट, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स हैं एक्चुअली, ऑन पेपर क्या है और क्या चीज़ें हैं। सो यस, यहाँ तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों ने भी लाइसेंस बनवाना है तो आपका टेस्ट अच्छा गुजरे और आप कामयाब हों। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।